आज हमारे साथ मौजूद कमर साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो सर। नवीद साहब, सर ये बताइएगा कि पंजाब में बहुत शिकायात लग रही हैं, कमिटीज़ पे बात हो रही है, तहरीरी मुआहदे का जिक्र हो रहा है। सर व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इशू देयर? हर दफ़े हम पूछते हैं कि क्या आपकी शिकायात हैं, कौन सी ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो PMLN ने पूरी नहीं की? देखिए हर बार ये तो खैर इतनी दफ़ा ये चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं कि मुझे खुद अजीब लग रहा है कि हम आज भी बैठ के ये समझा रहे हैं कि इशू क्या है, क्यों, क्या ग्रावस या क्या ग्रीवेंसेस हैं। जैसे आपको पता है, यू हैव मेंशनड इट आल्सो, कि गवर्नमेंट बनने से पहले दोनों पार्टीज की आपस में जितनी डिस्कशन हुई थी उसके बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें होनी थी, दोनों साइड्स ने कर दी थी। पीपल्स पार्टी क्योंकि गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं कर रही थी, लेकिन उनका कमिटमेंट ये था कि हम प्राइम मिनिस्टर को भी वोट इन करेंगे और जो क्रूशियल वोट्स हैं उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे और गवर्नमेंट को ये कभी भी वो मतलब तासुर नहीं देंगे कि गवर्नमेंट विल फॉल। तो पीपल्स पार्टी उस हद तक तो जो है वो सारी चीज़ें फॉलो कर रही है। जब तक जहाँ तक मुस्लिम लीग का भी ताल्लुक है तो काफ़ी सारी चीज़ें तो ज़्यादा अक्सर आसानी से समझ में आने वाली हैं। मसलन प्रेसिडेंट का अहदा हुआ, चेयरमैन सेनेट का हुआ वगैरह वगैरह, ऐसे और भी चीज़ें थी। वो काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लायंस उसका हो गया। फिर बजट का इश्यू था और PSDP का एंड सो ऑन, उस पर भी एक हद तक अभी टोटल उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। वो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहे। उसमें एक शिफ्ट जो थी वो पर्टेन सिर्फ पंजाब प्रोविंस को करती थी, जिसमें और कोई इतनी कोई तूफानी चीज़ तो नहीं थी। सिर्फ ये था कि ए मतलब कि पीपल्स पार्टी वोट करेगी फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे कम वोट्स हैं उधर, यहाँ तो टोटल डिपेंडेंस है ना वहाँ, लेकिन नहीं है इतना, लेकिन जो गवर्नमेंट होगी वो पीपल्स पार्टी को उसी तरह से ट्रीट करेगी जैसे वो अपनी मेंबर्स को ट्रीट करते हैं। जनरली कोलिशंस में ऐसे ही होता है, यू डोंट डिस्क्रिमिनेट। माफ करिएगा नवीद साहब, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, तो क्या मैं आपकी बातों से ये समझूं कि आपने किस सेंटर में शहबाज शरीफ साहब से आपको कोई एतराज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ बहुत कंफर्टेबल है, पर वजीर आला मरियम नवाज साहिबा से ही शिकायत है? देखिए एक हद तक ये सही है, जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ें अभी इस मरकज में भी हैं जो कंप्लाई विद नहीं हुई हैं, लेकिन जो थ्रस्ट अब इस वक्त है वो ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ है। उसमें जितने बाकी इनके सीनियर लीडरशिप है वो सब इन्वॉल्व हुई है कि एक हद तक इस सारी चीज़ को मिटिगेट करने के लिए। बट छोटी छोटी चीज़ें हैं वो जनरली मतलब अगर आप गवर्नमेंट में होते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कोई उनके लिए कोई मसला हो जाए तो आप फोन करेंगे तो कोई SP आगे से सुनेगा कि जी ये जरूर ना करो या ये ना करो। अगर कोई वहाँ सुनने वाला ना हो तो फिर तो ऑपोजिशन तो हमने की है हमेशा, फिर वो हम उस एटीट्यूड पे आ जाएं। हम नहीं चाहते कि बदमजगी की बात होगी कि आप सेंटर में इकट्ठे बैठे हैं और हर चीज कर रहे हैं और उधर आप ऑपोजिशन। कुछ पार्टियां करती हैं ऐसे, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मिजाज बिल्कुल ठीक सर। तो हम चाह रहे हैं कि मैं दो तीन चीजें कह दूं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटीज हैं फॉर एग्जांपल, उसमें जहां पीपल्स पार्टी के सिटिंग इलेक्टेड मेंबर्स हों और आप या तो किसी अनइलेक्टेड बंदे को अपनी पार्टी के, या अगर 6 मेंबर्स हैं उसमें से सिर्फ आपका एक है तो उसको चेयरमैन बना के और हमारे सीनियर जो लोग हैं उनको उनके नीचे बिठाएं, मतलब एक एटीट्यूड का इशू आता है। अगर एटीट्यूड यही है कि भाई हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको निकाल दो, तो फिर देन वी हैव टू रीथिंक द होल फॉर्मूला कि आया क्या ये चीज़ हमें और ये इस किस्म का
जो है अलायंस करने की जरूरत भी है या नहीं। पर सर इसके बावजूद सेंटर में तो आपकी इतनी कोऑपरेशन है कि कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने इसलिए गए क्योंकि कानून साजी करनी है और उसके लिए नंबर्स चाहिए। अब ये तो पता नहीं, ये तो बिल्कुल स्पेकुलेटिव बात है, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है। मौलाना साहब से जरदारी साहब के पुराने ताल्लुकात हैं, उनकी दोस्ती भी है, वो फोन उठा के एक दूसरे से जो अक्सर बात भी कर लिया करते हैं, तो उनका वहाँ तक चल के जाना वाज नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग। अब जाहिर है कि जब दो सियासतदान मिलते हैं तो सियासत की बात होती है, उसमें कोऑपरेशन की बात होती है। मौलाना साहब नाराज हो गए क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थे, तो अब जाहिर है कि उनको फिर दोबारा से किसी न किसी फोल्ड में लाने से भी तो एक पॉजिटिव एक्टिविटी होती है। डजंट नेसेसरीली मीन कि आपका वोट ही खरीदने आए या वोट ही लेने गए हैं, लेकिन क्योंकि मौलाना साहब की अपोजिशन में बैठे हुए दूसरी पार्टीज जो हैं उनके साथ भी रवाबित काफी तेजी से बढ़ रहे थे, तो जाहिर काउंटर व्यू भी उनको देनी थी। अच्छा नवीद साहब, फिर ये बताइएगा जो ये बार बार गुफ्तगू हो रही है, चले मौलाना साहब से मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ या नहीं हुआ, जो बार बार गुफ्तगू हो रही है कि कुछ कानून साजी की जाएगी जुडिशरी के हवाले से, पहले तो ऑब्वियसली एक्सटेंशन की बात थी, अब हुकूमत ने उसको क्लेरिफाई कर दिया, पर सर अभी भी कयासराई हो रही है कि और कुछ कानून साजी की जाएगी, जैसे हाईकोर्ट के जजेस को एक बेंच से दूसरे बेंच पे शिफ्ट करना, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई गुफ्तगू इस तरह की हुई है, और अगर नहीं भी हुई तो आप लोगों का इस पर क्या मौकफ है? नहीं, पहली चीज तो ये कि मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है मार्केट में इन चीजों की, और जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। भाई आप बात कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की, बिकॉज जजेस की टेन्योर तो बगैर उसके नहीं हो सकता, तो आपने देखा भी है कि नंबर्स गेम क्या है अंदर पार्लियामेंट में, किसके पास कितने नंबर्स हैं। अगर नहीं है तो फिर ये बात करना ही फजूल है ना, ये टीवी एंटरटेनमेंट तो हो सकती है बट इट्स नॉट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। सो आई थिंक दैट होल थिंग, अब उस सारी चीज को वाइंड डाउन करने में शायद टाइम लग रहा है, इसलिए ये और दूसरी कयास आ रही है। मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज नहीं, आई विल से इट वेरी कैटेगोरिकली, नहीं सर, बट जमात का मौकफ क्या है उस पे? सॉरी सर, पाकिस्तान नहीं, इट इज नॉट इन माय नॉलेज नॉर हैज इट बीन शेयर्ड। और मुझे ये पता है कि अगर पीएमएलएन को कोई लेजिस्लेशन लानी है तो बगैर पीपल्स पार्टी के वोटों के कोई भी लेजिस्लेशन थ्रू नहीं होगी, चाहे वो नेशनल असेंबली हो चाहे वो सेनेट हो। तो ये कहां से ये सारी चीजें निकल रही हैं, आई हैव नो आइडिया, पर कम से कम हमसे शेयर नहीं हुई।